हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट 255 डिग्री एंगल विथ कंपास, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप स्टेप और स्टेप चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मतलब पूछा मुझसे कि 180 डिग्री बनाने के लिए सर क्यों नहीं सीधी लाइन खींच दे रहे हैं। तो देखिए, सीधी लाइन आप खींच देंगे तो 180 डिग्री तो बनेगा, लेकिन वहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट 180 डिग्री विथ कंपास। जब कंपास से हम लोग बनाते हैं, इस कंपास की मदद से अगर हम लोग बनाते हैं 180 डिग्री, तो क्या है, कैसे बनाते हैं, इस तरीके को मैंने समझाया है, ठीक है। तो आप उसको जाकर देखें, उसको विजिट करें, आप सीधी लाइन खींचेंगे तब भी वो 180 डिग्री बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताया, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं 255 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, सिंपली एकदम लाइन सेगमेंट आपने ले लिया। जैसे ही आपने लाइन सेगमेंट लिया, अब एक सुटेबल आर्क ले। देखिए ये जो होता है, ये पॉइंट को पॉइंटर होता है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपास का पॉइंटर, ठीक है। ये क्या होता है, पॉइंटर, और ये आपके पास है कंपास, ठीक। तो जब हमारे पास कंपास आ गया और ये हमारा पॉइंटर हो गया, पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, एक सुटेबल आर्क ले लीजिए। इस आर्क को चेंज नहीं करना है, इसको चेंज आपको नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक बार आपने जो फिक्स कर दिया उसको आपको चेंज नहीं करना है। अब आ जाइए, यहाँ पर रखेंगे पॉइंटर को, हमने रखा, और एक सुटेबल आर्क ले करके इसको पूरा सिंपली थोड़ा सा आगे तक इसको लेकर हम लोग चले गए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे तक ले जाना है, यहाँ तक कम से कम, ठीक। अब हमने यहाँ तक ले गए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 120। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। इसके बाद आप कुछ लोग कहेंगे इसमें 180 डिग्री बनाने की क्या आवश्यकता, आवश्यकता है क्योंकि हम लोग को 180 के आगे भी जाना है। कहाँ जाना है, 240 पे जाना है। तो आप जा करके 240 देखिए, अब यहाँ पे 180 हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 240। अभी और आगे जाना है, इसलिए जाना बताएंगे, ध्यान दीजिएगा 240। उसके बाद और आगे जब जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 240 ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग 255 डिग्री बनाएंगे तो 240 और 270 के बीच में ही होगा। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग 270 बनाते हैं, 270 कैसे बनाते हैं इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारा 240 है और ये हमारा क्या है, 300। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कितना था, ये हमारा 60 डिग्री था, ये हमारा कितना था, 120 डिग्री था, ये हमारा कितना है, 180 डिग्री, और ये हमारा कितना है, 240 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा है 300 डिग्री, ठीक। अब 300 और 240 डिग्री का जब हम लोग बाइसेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, नहीं भी बड़ा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे किया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर कट किया, तो ये जो हमारा बना, ये 270 बना है, हमने क्या करेंगे इसको, इसको बस हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम निशान बना लेंगे, इसमें निशान बनाएंगे, ठीक है। अगर आप, आपको समझ में आ गया, अगर 240 प्लस 300 करेंगे, मतलब इसको बाइसेक करेंगे, टू ऐड करके टू से अगर डिवाइड करते हैं तो 270 आ जाएगा। 270 डिग्री कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा दिया, तो ये 270 डिग्री हो गया। अब हम लोग इसको और इसको यहाँ दोनों पर रख करके अगर हम लोग बाइसेक करेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर हम लोग 240 है, 240 डिग्री प्लस 270 डिग्री, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110, और कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 जा 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, 25 जा 10, 25 जा 10, 255 डिग्री आ जाएगा। मतलब इस पे और इस पे रख करके आपको क्या करना होगा, बाइसेक्ट करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रखेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखने के बाद इसको कट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे रख के एक बार और कट कर लेते हैं। स्टेप वाइज करना है, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया, अब ऐसे ले आकर यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब जैसे हम लोग इसको यहाँ मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो बना है, ये हमारा बन गया 255 डिग्री एंगल। मैंने यहाँ पे पूरा लाइन, डॉटेड लाइन नहीं बनाया, ठीक है, मैंने बस इतना बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि 270, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर इसका नाम दे दे पी, और इसका नाम दे दे ओ, और इसका नाम अगर दे दे क्या, क्यू, तो हमारा पी ओ क्यू, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, पी ओ क्यू, ये हो गया हमारा पी ओ क्यू, कितना हो जाएगा,
55 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मेजर कैसे करते हैं, आइए इसको भी दिखा देते हैं आपको प्रोटेक्टर से मेजर करके। अब देखिए इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लगाया और ये हमारा 180 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो भी हम लोग वैल्यू चेक करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो सेंटर पॉइंट हमने किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे 55 डिग्री अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, 180 डिग्री पहले मेजर करेंगे फिर 75 डिग्री मेजर करेंगे तो 255 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। हमने इसको क्या किया, मेजर किया और अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 75 पे आ रहा है, ये किधर आ रहा है, ये 75 पे आ रहा है। तो 180 प्लस 75 कितना हो जाएगा हमारा, 255 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसको हमको देखेंगे तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 255। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।